नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं जैकेट लेके आई हूँ। ये देखो, ये हाफ जैकेट से भी हाफ है, ब्रोरो जैकेट कह लो, कुछ भी कह लो। ये देखो, ये गले से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। एक मैंने बटन लगाया है, पीछे से ये बाजू आ जाती है। बिल्कुल छोटी सी है, ये 4-5 साल के बच्चे के लिए बनाई मैंने। अपने बड़ी बनानी हो तो फंदे ज्यादा डाल लेना, मैंने छोटी बनाई है। ये देखो, 10 नंबर की सिलाइयां से बनाई है और वूल मेरी 3 प्लाई की मेरी वूल लगाई मैंने, ये वाली। चलो आपको ये बनाना सिखाते हैं। ये देखो, बहुत सुंदर लग रही है और बहुत प्यारी लगती है। बनाने में बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। चलो फिर शुरू करते हैं। 68 फंदे डाल के 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 8 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी की बना ली है। ये बॉर्डर हमारा हो गया, 8 सिलाइयां। ये मैं 4-5 साल के बच्चे की बना रही हूँ। आपने बड़ी बनानी हो तो फंदे ज्यादा डालना। मैंने 68 फंदे डाले हैं, वो आपको मैं एंड में सारा कुछ बता दूंगी कितने कितने फंदे डालने हैं। ये देखो, अब क्या करना है, अब इसके हम जाली डालने के ना फंदे भी बढ़ेंगे। एक 3 फंदे हमारे सीधे जो बटन पट्टी के हैं, धागा आगे करके जाली पर डल गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 फंदे डालने के बाद धागा आगे एक और डाली, धागा आगे एक और जाली। फिर हमने 30 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 और 30। फिर धागा आगे किया एक जाली, फिर धागा आगे किया एक जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो, 2 जाली डालने के बाद फिर हमने 14 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। धागा आगे किया एक जाली, ये हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। देखो, 14 फंदे बुनने के बाद 3 फंदे रह गए, धागा आगे करके जाली डल गई और 3 फंदे सीधे।
आप उल्टी सिलाई पूरी सीधी जाएगी, हमने सीधी सीधी सिलाइयां बनानी है ना, पूरी सिलाई सीधी बुन लो। सीधी सिलाई में हमने फिर तीन फंदे हमारे जो बटन पट्टी के हैं वो बनाने हैं। पहला फंदा तो हम उतारते ही हैं, तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे जाली, फिर 14 फंदे, अब फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, जब तीन फंदे बुनने उसके पहले हमने जाली डालनी है, ये यहाँ हमने फिर दो जालियाँ डालनी, धागा आगे एक जाली, धागा फिर आगे फिर दूसरी जाली। अब पीछे वाले फंदे हमारे जो हमने 30 फंदे बुने थे आगे हमारी एक एक जाली आएगी, पीछे हमारी दो दो जाली आएगी। आप चाहे तो बटन पट्टी के चार फंदे भी रख सकते हो, पर मैंने तीन ही रखे हैं, मैंने छोटी सी बनानी है बटन पट्टी। यहाँ फिर जाली आ गई, धागा आगे जाली, धागा फिर आगे दूसरी जाली, फिर जो जो 14 फंदे थे, अब फंदे 14 नहीं रहेंगे, साथ साथ फंदे हमारे बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से एक एक फंदा। आपको समझ आ गया होगा, देखो फिर धागा आगे जाली, ये तीन फंदे ही रहने, स्टार्टिंग में तीन फंदे बुन के जाली बुननी है, एंड में तीन फंदे तो पहले जाली बुननी है, बाकी सीधी सिलाई सीधी। जी मैंने 10 नंबर की सिलाई में बुन रही हूँ, ये देखो थोड़ी मेरी ऊन ब्रेक है, आप मोटी ऊन लोगे तो फंदे कम डाल लेना, मैंने तीन चार साल बच्चे के लिए मैंने बना रही हूँ, ऐसे आप थोड़ा सा बना लो फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखो इतना मैंने बना लिया, ये देखो गले से शुरू करके पहले दो तीन सीधे रखे फंदे, फिर जाली, फिर 14 फंदे रखे थे, फिर दो जालियां, फिर 30 फंदे, फिर दो जालियां, फिर 14 और फिर जाली और फिर तीन सीधे, ऐसे बनाकर मैंने इतना बड़ा बना लिया। जो मैंने 24 जालियां डाली हैं, ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 और 23 23 मैंने डाली है, 23 जाली डाल के अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने जाली नहीं डालनी, सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने लेनी है, जाली नहीं डालनी, सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने 6 सिलाइयाँ डालनी है, अब जाली बंद कर देनी। मैंने छोटे बच्चे चार पाँच साल के बच्चे का बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी जाली डाली, आप थोड़े बड़ा डालनी हो तो थोड़ी जी और जालियाँ भी डाल सकते हो, थोड़ा बड़ा बच्चे के बनानी हो तो, ऐसे पूरियाँ आप बिल्कुल जाली दो बिना आप 6 सिलाइयाँ
डाल लो। अब जाली नहीं डालनी, 6 सिलाइयाँ डाल के फिर आपको मैं दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो, ये मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की चढ़ा ली। अब हम फंदे बंद करेंगे। बिल्कुल सिंपल, ये बाजू है हमारी। यहाँ तक हम बंद करेंगे। ऐसे पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। ये देखो, जो जाली हमने डाली ना, उसका एक फंदा पीछे आएगा, एक फंदा आगे वाले हिस्से में आएगा। ये सेंटर आ गया, यहाँ से हम फंदे फिर बंद करने शुरू करेंगे। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। पूरे आप बंद कर देंगे। ये पीछे वाले फंदे हमारे रह गए, ये देखो, और साइडों के हमारे पूरे बंद कर दिए। देखो ऐसे बन गया। अब हमने क्या करना, ये देखो, जो आपने चेन चेन सी बनाई ना, देखो ये चेन चेन, ये हमारे यहाँ से फंदे उठाने हैं, ये वाले, ये देखो, जहाँ फंदा एक हमारा रह गया था ना, उसके साथ ही ऐसे फंदे उठा लेंगे। जो हमने एक फंदा छोड़ते हैं उसकी चेन सी बन जाती है ना, वो ही उठा लेने।
एक दो तीन चार सोलह, 32 फंदे मैंने उठाए हैं। अब हम इसे सीधा बुना लेंगे। पूरी सीधी सिलाई, तो हम सीधा सीधा ही बना रहे हैं तो सीधी सीधी सिलाई आएगी। ये हमारी बाजू बनी है। देखो ये फंदे हमने पूरे बुन लिए, ये ऐसे ना बाजू बन जाएगी। देखो जहाँ बाजू के नीचे जो आता ना हिस्सा, वहाँ हमने फंदे बढ़ाने हैं। वो कैसे बढ़ाने देखो। इसको निकालना नहीं, एक दो तीन चार और पांच फंदे हमने यहाँ बढ़ा ले। ये देखो अब ये वाले फंदे भी हम साथ ही बुन लेंगे। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा बन गया। ये देखो पूरे फंदे हम पूरे बुन लेंगे। और यहाँ भी हम पांच फंदे बढ़ाएंगे। वो कैसे, एक दो तीन चार और पांच। वो हमने पहले बाद में उड़ाए थे या पहले बना लिए, क्योंकि हमने जहाँ से फंदे उठाने हैं यहाँ से। जितने फंदे हमने उधर उठाए ना, उतने इधर उठाने हैं। ये देखो मैंने पांच फंदे बनाए हैं। आप चाहो छह भी बना सकते हो, आठ भी बना सकते हो, अपने आप हिसाब से देख लो बच्चा हल्दी है या पतला है। जितने फंदे हमने उधर उठाए थे उतने ही अपने इधर उठाने हैं। चेन चेन सी आएगी, दो
जितने हमने उधर दूसरे तरफ से उठाए उतने ही उठाने हैं, ऑब्वियसली उतने ही आएंगे क्योंकि चेन चेन से हमने उठानी है। ये हमारे फंदे पूरे उठ गए, अब हम सीधी सिलाई चढ़ाएंगे। पहले फंदा उतारा, पूरी सिलाई सीधी चढ़ा के आपको मैं दिखाती हूँ। ये फंदे भी साथ थे, थोड़ा ढीला छोड़ के आराम से बनाने हैं। ये हमारी बाजू बन गई, ये बाजू हो गई। पूरी सिलाई आप कंप्लीट करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी बाजू बन गई। ये देखो, ये पीछे वाला हिस्सा और ये भी बाजू। अब हम थोड़ा सा डिजाइन डाल लेंगे। आप चार सिलाइयां सीधी सीधी चढ़ा लो, उसके बाद आपको डिजाइन बनाना सिखाती हूँ मैं। फिर ये एक हमने डाल ली है और दो और करेंगे तो फिर हम आपको डिजाइन बनाना सिखाते। अरे देखो, ये हुई बाजू, एक इधर बाजू, जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो ये नीचे आ गए यहाँ तक। देखो, अब मैंने डिज़ाइन डाला है, आपको दिखाती हूँ कौन सा डाला मैंने। पहले तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है, पांच फंदे मैंने बॉर्डर के बनाए हैं। ये सीधे सीधे दोनों तरफ से आएंगे, इधर भी पांच रखे हैं, उधर भी मैंने पांच रखे हैं, इधर भी पांच रखे हैं और इधर भी पांच। ये सीधे सीधे आएंगे और डिजाइन देखो ये वाला डाला मैंने, धागा अपनी तरफ, एक जाली, एक दो तीन और चार। चार फंदे बुनने के बाद ये दो फंदे हम उतार लेंगे। दो फंदे उतारने के बाद ये वाला फंदा हम बुन लेंगे ऐसे, और दो फंदे जो उतारे हैं ना दोनों इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक दो तीन और चार, फिर धागा आगे एक जाली, धागा आगे दूसरी जाली, फिर एक दो तीन और चार, फिर दो फंदे उतार लेंगे, ये वाला फंदा बुनेंगे और दो फंदे इसके ऊपर से ऐसे। ये डिज़ाइन सेट करने के लिए मैंने बीच दो फंदे बढ़ाए हैं,
ये पूरी सिलाइयों पूरे फंदों में दो फंदे मैंने बढ़ाए हैं क्योंकि मेरे डिजाइन सेट नहीं सी हो रहा। ये देखो, फिर चार फंदे हम बुनेंगे, एक दो तीन और चार। धागा आगे, जाली धागा आगे, दूसरी जाली। फिर एक दो तीन चार, चार फंदे और तीन फंदे हमने वहां कटाने, दो एक इधर कर लिए, फिर एक बुन लिया, दो दोनों के ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर एक दो तीन और चार, धागा आगे, जाली धागा आगे, जाली। ऐसे आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर एक दो तीन चार, दो फंदे उतार लिए, एक सीधा बुन लिया, दो फंदे इसके ऊपर से ऐसे उतार दिए। फिर एक दो तीन और चार, ये दो फंदे ऊपर से ऐसे, ये एक दो तीन चार, ये आ गया जाली, दूसरी जाली। जी दो फंदे उतार के भी बन सकता है और दो, जी दो फंदे उतार के ऐसे भी बुन सकते हैं और ऐसे भी बुन सकते हैं। इसको पीछे से, ये पीछे से इसको फंदे को इसमें डाल के ये वाला फंदा ऐसे रख लो, फिर दो का एक कर लो वैसे इसके ऊपर, दोनों तरफ से आप बना सकते हो। चार फंदे, फिर जाली, दो जालियां, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। ये दोनों तरफ से जो हमारे पांच पांच फंदे हैं, जो सीधे सीधे होंगे, बाकी सारे उल्टे। ये देखो, एक और आपको फिर बताती हूँ, पीछे से भी ऐसे लेकर ये फंदा ऐसे उतार लो, एक दोनों का एक करके इसके ऊपर, दो तरह के ये आपको मैंने बताया, जैसे मर्जी आप चाहे कर सकते हो, जैसे आपको सरल लगे। ये चार फंदे बुन के फिर जालियां आती दो, फिर चार फंदे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे उतारे पीछे से, एक फंदे को इस सिलाई में करके ये ऐसे दो का एक, जो तारा फंदा है उसके ऊपर से ऐसे, एक दो तीन और चार। अब जाली, एक दो तीन चार और पांच, उल्टी तरफ से ये पांच फंदे तो सीधे, बाकी सारी उल्टी सिलाई।
ऐसे आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इतनी बना ली है। जहाँ से हमने जाने 5 फंदे बढ़ाए थे उसके बाद हमने इतनी बनाई। ये बहुत ही बड़ी नहीं ना बनाई, छोटी सी है। ये देखो 1 2 3 4 5 5 मैंने जाली डाल के इतना डिज़ाइन बनाया। फिर 4 सिलाइयाँ सीधी डाली, फिर यही वाला डिज़ाइन, फिर 4 सिलाइयाँ सीधी, फिर ये वाला डिज़ाइन। ये देखो धागा आगे किया 40, 4 फंदे सीधे आ रहे हैं। उसके बाद हमने 3 का 1 करना है। देखो पीछे वाला फंदा पहले उतार के, दो का एक ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। फिर 1 2 3 4 फिर जाली। फिर 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 और 4। फिर 2 फंदे उतारे, पिछला फंदा पहले ले लिया, आगे वाला फंदा ऐसे 2 का 1 जो तारा फंदा था इसके ऊपर से ऐसे। फिर 4 फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली, फिर धागा आगे करके जाली, 1 2 3 और 4। दो का एक सेंटर वाला फंदा हमने पहले रखना, सिलाई में डाल लेना, वो उसके ऊपर से ऐसे निकाल देना। धागा आगे, 5 फंदे हमारे सीधे। उल्टी सिलाई में सिर्फ ये 5 फंदे हमारे दोनों तरफ सीधे आएंगे, बाकी सारे सिंपल। अब उल्टी सिलाई करने के बाद हम व्हाइट कलर के बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बना के आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो व्हाइट धागा लगा लेंगे, इसको हम साथ साथ ले लेंगे। अब हम 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की कर लेंगे, इसमें एक बटन होल बनाएंगे। ऐसे आप पूरा बना लो व्हाइट धागे से, सीधी सीधी सिलाइयाँ ऐसे बनानी है। ये देखो ये मेरी इतनी बन गई। ये मैंने एक बटन होल किया, यहाँ बटन लगा देंगे। ये हाफ से भी छोटी जैकेट है। अब मैंने थोड़ा सा इसको आउट लाइनिंग दे दी है क्रोशिए की, वो कैसे देनी है आपको दिखा देती हूँ। सिंपल क्रोशिया है, 2 का 1, फिर एक जाली डालनी, एक चेन डाल के फिर इसके अंदर 2 हो गए, 2 का 1, फिर एक चेन,
रो का एक, फिर एक, फिर बाप दूसरी तरफ, यहाँ से एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डालना। दो का एक, फिर ऐसे आप पूरा कंप्लीट कर लेना। ये मैंने 4-5 साल के बच्चे की है। आपने बड़ी बनानी हो तो जो या जो तीरा आता ना, ये वाला हिस्सा, इसके हिसाब से आप बनाना। जो आपका बच्चे का तीरा जितना है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फंदे रख लेना। जो मैंने जितने फंदे रखे हैं उसके लिए आप बड़े 8-9 साल 10 साल के बच्चे की बनानी, तो 80 फंदे डाल के बनाना। 80 फंदों से अपना बीच वाले हिस्से में जहाँ जहाँ फंदे चाली आ जाएंगे, बाकी फंदे आपने इतने ही रखने हैं। ये देखो तीरे के हिसाब से आपका बनेगा। ये बच्चे के तीरे के हिसाब से जितना तीरा आता है उससे आप से आप बना लेना। ये देखो, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।